হ্যালো হ্যাঁ এখনই अच्छा ठीक है আমি আসতেছি এখনই আসতেছি বুঝলেন আপনি রেডি করুন পেশেন্টটাকে নিয়ে। मेरा नाम है करीमुल हक। बाइक एम्बुलेंस से मरीजों को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मेरी जो माँ है ना रात 2 बजे बिना ट्रीटमेंट के उनका मौत हो गया। बहुत दुख है मुझे। और कोई गांव का माताजी हो बच्चा हो बिना इलाज से ना मरे तुरंत कैसे हॉस्पिटल पहुंचाओ, बस यही चिंता में रहता था। तब एक दिन चाय बागान में एक आदमी काम करते करते गिर गया। मैंने तुरंत मोटरसाइकिल निकाला। उस दिन से मेरे दिमाग खुल गया, ये छोटे से एक मोटरसाइकिल एम्बुलेंस का काम कर सकता है। रोड भी खराब है गांव पे, कभी कभी नदी होता है नाला होता है, छोटा छोटा रोड। बाइक एम्बुलेंस वहाँ पे बहुत काम आता है। कोई कोई गांव में हंसने लगा, ये कैसे एम्बुलेंस हुआ भाई। फिर जो मरीजों को मोटरसाइकिल में बैठा के ले जाता हूँ, लोगों ने बोलता है बहुत अच्छा काम है ये। अभी करीमुल सबको इंस्पिरेशन हो गया क्रांति का। कोई किसी का प्रॉब्लम है, कोई ऑपरेशन का जरूरत है, करीमुल को बोलने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 24 घंटा मोबाइल ऑन रहते हैं। बहुत सारे पेशेंट ले गया हम अस्पताल पे, 3000 से ऊपर ले गया। बूढ़ा से तब बच्चा तो कम से कम 10-15 गांव का आदमी को ले जाता है हम। कोई विपद में पड़ने से दौड़ के चला आता है, हम लोग को बहुत उपकार होता है। इस एरिया के लिए करीमुल तो भगवान समान है। जो जान बचाए हमको बोलता है तुम भगवान है। हमने भगवान हम नहीं, भगवान दूसरा है, लेकिन हम इंसान है। जब 2-4 पेशेंट एक साथ आ जाते हैं, सबको तो हम नहीं ले जा सकता है ना, तब बहुत दुख होता है। ये तो मेरे अभी ना सोचे माँ चलाया मेरे। बहुत गरीबों का जान बचेगी, बहुत इंसानों का जान बचेगी। हम जब तो मेरे जान है रहेगा, एक एक जिंदगी हम बचा दूंगा। जो अपने मजबूत इरादों से कुछ बड़ा कर जाते हैं, हर रोज हमें गर्व का एहसास कराते हैं, वही लोग इनविंसिबल इंडियंस कहलाते हैं। आईएनएस विक्रांत के फौलाद से बनावी ऐसे लोगों को सैल्यूट करता है और आपसे अपील करता है कि इनकी कहानियों को शेयर करें। आपके आसपास भी ऐसे इनविंसिबल इंडियंस हों तो हमें बताएं, हम उनकी कहानियां देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे।